गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, क्या है इसकी यूजेस हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम मैटर मतलब पदार्थ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनके बीच में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन होती है, क्या इंटरेक्शन होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, यह स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस काम में लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब वह रेडिएशन जिसके अंदर दो भाग होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। उसका एक कंपोनेंट मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है और दूसरा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, और दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और वो एक ही दिशा में साथ साथ प्रोपोगेट करते हैं, चलते हैं, तो ये रेडिएशन कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे कि यहाँ पर चित्र में बताया गया है, दोनों रेडिएशंस, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री में ये दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं और ये कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अरेंज किया है बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पर रेडियो वेव्स भी हैं, माइक्रोवेव्स भी हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती हैं। जैसे गामा रेज से हम बढ़ते हैं, इस गामा रेज से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लैम्डा का जो मान है वो कम होता है गामा रेडिएशन में, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं लैम्डा का मान बढ़ता जाता है। इसी तरह एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है गामा रेज में, और जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स की ओर बढ़ते हैं तो एनर्जी का मान कम होता रहता है। तो इन सभी को मिलाकर हम एक कम्बाइंड रूप जो नाम है वो देते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, गामा रेज भी, रेडियो वेव्स ही, इंफ्रारेड, सभी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर बढ़ते हैं तो लैम्डा का मान बढ़ता जाता है और एनर्जी कम होती जाती, एनर्जी बढ़ती जाती है और लैम्डा का मान भी बढ़ता जाता है और एनर्जी कम होती जाती है। तो इनके अंदर किस तरह का वो रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, यानी कि एनर्जी के अंदर और लैम्डा के अंदर इन्वर्स रिलेशन एक दूसरे के, जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ता जाता है एनर्जी कम होती जाती है। तो गामा रेज में लैम्डा का मान कम है और एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स की ओर बढ़ते जाते हैं तो उसके अंदर लैम्डा का मान बढ़ता जाता है और एनर्जी कम होती जाती है। अब बात करते हैं हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं आईआर और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हम यह भी पढ़ चुके हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो साइंस की ब्रांच है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर पदार्थ की संरचना, भले नोन हो अननोन पदार्थ की संरचना को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से बहुत अच्छी तरह से जान जाते हैं। हमको यहाँ पर कम से कम केमिकल, कम समय में और उसकी पदार्थ की संरचना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है, तो इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। आईआर और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको पदार्थ में उपस्थित डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, किस तरह का स्ट्रक्चर है और कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये हमको जानकारी मिल जाती है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको ये बताती है कि पदार्थ के स्ट्रक्चर में उपस्थित एटम के चारों ओर किस तरह का एनवायरनमेंट है। एक ही एटम हो सकता है लेकिन उसका एनवायरनमेंट अलग होने से वो अलग अलग पीक देगा, तो हमको इससे संरचना के बारे में पता चलती है। NMR का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियर मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसकी उपस्थिति में रेजोनेंस होता है। यहाँ पर रेजोनेंस का अर्थ, वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस का मतलब है कि जब दो फ्रिक्वेंसी या दो एनर्जी लेवल बिल्कुल मैच हो जाते हैं और एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो स्थिति कहलाती है रेजोनेंस। तो यहाँ पर हम एटम का न्यूक्लियस ले रहे हैं, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड लगाते वक्त यहाँ पर हम रेडियो वेव्स देते हैं।
हम यहाँ पर रेडियो वेव्स काम में लेते हैं। तो रेडियो वेव्स का भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो जब रेडियो वेव्स को हम गिराते हैं तो पदार्थ का जो न्यूक्लियस है वो इन एनर्जी को एब्जॉर्व कर एक लेवल से दूसरे लेवल पे चला जाता है। उस स्थिति को हम कहते हैं रेजोनेंस की स्थिति आ गई है, यहाँ पर रेजोनेंस हो गया और उस स्थान पर हमको एक पीक दिखाई दे जाती है। तो ये कहलाती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोप। हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, वो अपने एक्सिस पर स्पिन करता है, और हमको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब अपने एक्सिस पे या मूवमेंट होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल में तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इस तरह न्यूक्लियस भी एक टाइनी मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जब चार्ज पार्टिकल होता है तो एक बन जाता है नॉर्थ पोल और एक बन जाता है साउथ पोल, और ये एक मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जाता है। मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जाता है क्या? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्योंकि वह चार्ज पार्टिकल है वह अपने एक्सिस पे मूव करता है, अपनी दूरी पर वो मूव करता है, घूमता है। और इसके कारण क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है अगर वो अपने स्थान उसका परिवर्तित होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा क्योंकि वो अपने स्थान पर एक ही एक्सिस पर घूम जाता है। नॉर्मली ये जो टाइनी बार मैग्नेट्स हैं वो किस तरह से ओरिएंटेड, अगर हम उसको फ्री छोड़ देते हैं तो नॉर्थ और साउथ पोल की ओर ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो न्यूक्लियस है वो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसके अनुसार जैसे बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ पोल लगाते हैं तो ये न्यूक्लियस भी अपने आप को उस बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार ओरिएंट कर लेते हैं और उस दिशा में वो अपने आप को स्थित कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या क्या उपयोगिता है, हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को, मेडिसिंस में तो होता ही है, जैसे कि हम MRI कराने जाते हैं तो MRI क्या है वहाँ पर भी, जैसे कि ये MRI दिखाया गया, MRI में क्या करते हैं हम, यहाँ पर भी हमारी बॉडी स्कैन होती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक रेजोनेंस ही काम में आती है। इसी तरह से हॉस्पिटल्स में फंक्शनल इमेजिंग में हमको काम में आते हैं, एरोप्लेन्स में काम में आती हैं। तो ये कई तरीके इसकी उपयोगिता है। मटेरियल साइंस में स्ट्रक्चर पता करते हैं हम, फॉरेंसिक साइंस में, फिजिक्स में, सब जगह इसका उपयोग होता है। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल की, कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ने से पहले ये तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है, न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है और बाहर से हम लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड और रेजोनेंस हो जाता है तीसरा पार्ट उसके अंदर, जैसे कि आपको भी बताया कि रेजोनेंस हो जाता है। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने एक्सिस पे, ये उसकी एक्सिस है, इस एक्सिस पे वो स्पिन करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी स्पिन कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी स्पिन कर सकता है, इस तरह से स्पिन करता है। ये है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे बना रहता है, जनरली और भी पार्टिकल्स होते हैं लेकिन जनरली ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना रहता है। ये है इलेक्ट्रॉन जो कि अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है, ये एक्सिस है इस पे भी स्पिन कर रहा है और इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पर दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएंगे इसके चारों ओर, एक तो सर्कुलेशन मोशन के कारण और दूसरा अपने एक्सिस पे स्पिन करने के कारण। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है मेनली, और भी दूसरे सब पार्टिकल्स होते हैं लेकिन हम यहाँ पर मेनली दो ही सब पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करता रहता है,
और इसके कारण भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर की चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन लिया हमने तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, वो अगर अपने एक्सिस पे स्पिन करता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंटम आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर डेवलप हो जाता है। जैसे हम और ये किस तरह जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है तो ये किस की तरह बिहेव करने लगते हैं, एक मैग्नेट की तरह। एक मैग्नेट के अंदर क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसके अंदर भी दो पोल डेवलप हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी एक नॉर्थ पोल हो जाता है और दूसरा साउथ पोल आ जाता है। ये है इलेक्ट्रॉन जैसे हम बात करते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस पे स्पिन करता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है वह अपने धुरी पर, अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है, मूवमेंट करता है और इस मूवमेंट या इस स्पिनिंग के कारण उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और न्यूक्लियस एक छोटे मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर शो करें, इस मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जाता है और उसके अंदर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल डेवलप हो जाता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है